अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एलेंट्रा 2012 मॉडल की गाड़ी है। ठीक है, ये अभी गियर आईडी यानी सादा गियर है। ठीक है, अभी हम इसको ऑटोमेटिक करने लगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर इसमें लगाएंगे। ये अभी इसका डैशबोर्ड है जिसके हम बदलेंगे मीटर और मीटर की वायरिंग, उसके बाद ये गियर लीवर, उसके बाद पैडल बदलाएंगे, क्लच ख़त्म करेंगे और इसमें लगाएंगे ब्रेक पैडल। उसके बाद हमने इसके खोले हैं, ये देखिए आप देख सकते हो, ये एसी के सामान सारा खोला हुआ है। ये खोल के अभी ये खोलेंगे, उसके बाद इसका इंजन उतार के ये खोलने लगे, बैटरी खुली है इसकी, इंजन पूरा उतार के। तो इसका जो जो सामान बदलेगा, एक्सल, मीटर, वायरिंग, ब्रेक पैडल, कंप्यूटर, ये सब सामान इसको बदलेगा, तो ये गाड़ी आईडी से ऑटो हो जाएगी। ये 2012 मॉडल की एलेंट्रा है, आप देख सकते हैं अंदर से। अब मैं शुरू हूँ, ये सब सामान खोला हुआ है, ये मीटर, अभी इसकी बारी है खोलने की। के सामने अभी मैं खोलना शुरू कर देता हूँ, खा लिया। इसको क्लियर खोलेंगे, सारा सामान खोल के। तो इसके बाहर आएगा यहाँ से मीटर, ये लीवर निकाल लेंगे इसके बाद, और उसके बाद ये खोलना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे हो रहा है टर्बलॉन। ये तबलोन वगैरह खोलेंगे, अभी दूसरे आदमी की ज़रूरत है, लेकिन कोई मोबाइल पकड़ ले और मेरे पास दूसरा आदमी नहीं है। सो गाइस, अभी मैं खोल के आप लोगों को इसकी कामिल वीडियो, जब इसको हम
गियर आईडी से ऑटोमेटिक करेंगे तो मैं आप लोगों को कामिल वीडियो दिखाऊंगा इसका।